आराम से रुचि तक तक मैं बी कम्फर्टेबल मैं एक भारतीय हूँ उसके बाद अंदर कैसे हो कैमरा खड़ा थोड़ा भारतीय होने पे फख्र है और सरदार की इज्जत तब है मुझे को कहे मैं अरे मजलूमा का कत्लेआम वो हमारी बहन को मार डाला इन्होंने एक दवाई की दुकान वाले को उसको मार डाला हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई मानवता का कत्लेआम है ये हमने कभी आए इधर हम टीवी पे डिबेट करते रहे हमें ये न को कहे कश्मीर में कोई व्यक्ति हम यहाँ आग लगाने आते हैं हमने पंजाब में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गोलियां सामने चलती थी सामने जवाब देते थे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो मानवता को जहाँ मारा गया हमने अपने शरीर पे बम खाए पर हमने अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ा हमारे कई मुस्लिम भाई भी शहीद हुए फौज के जवान हो या पुलिस के जवान ऊपर वाले ने इंसान को बनाया हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले गोल में तो था कहां गया इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स इतना टेस्टी कि एक मिनट में पूरा बोल सपाचट पाकिस्तान बुखला चुका है क्योंकि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट विकास युवाओं के लिए एक नई सोच नई दिशा बन चुकी है किसी कौम मजहब का हो इसमें कौम मजहब नहीं है घटना बहुत बुरी है जो आप इसका दिया जा रहा है हमारा सरकार से मतलब नहीं पर हमें यकीन है जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाएगा अरे इन बदमाशों को मैं कहना चाहता हूँ पंजाब में भी चैलेंज किया करता था ISI कुछ इन आतंकवादियों को खालिस्तानियों को देख लीजिए मेरा उस वक्त का इतिहास जब 93 में मेरे ऊपर दिल्ली ब्लास्ट हुआ 38 बेगुना लोग शहीद हुए 90 जख्मी हुए और पाकिस्तान के बॉर्डर को घेरा था हमने 1.5 लाख की भीड़ को लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को लेकर के सामने बैरिगेड था कहते गोली चलाएंगे बेटा को गाली देना बंद करो मैं कहा तेरे लोहे का गेट तोड़ के तेरे लाहौर में तिरंगा झंडा लेके घुस जाएंगे तेरी गोलियां भी खत्म हो जाएंगी फिर आए थे जम्मू फिर आए थे गंगानगर फिर गए थे कच्छ बॉर्डर इनको घेरा था हमने हम वो बेटा हैं हम कहते हैं करके दिखाते चैलेंज करता है इनको सुरक्षा के बगैर आऊँगा वो मेरी बेटी वो मेरी बहन शहीद की बेटी बोली थी वो नहीं वो बाद में पहले मैं आवाज देता हूँ चैलेंज करता हूँ मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ बंदूकें मेरी होगी हथियार मेरे होंगे लसन सरकारी मेरे होंगे एक भी सरकारी गनमैन नहीं होगा सीधा फायरिंग होगी आओ चैलेंज करता हूँ अगर भाग जाऊँ तो उसके बाद बिट्टा बिट्टा नाम नहीं रहेगा मेरा चैलेंज अरे बेगुनाहों का मजलूमों का कत्ल करते हो ये बर्दाश्त नहीं होगा हिंदुस्तान एक है एक रहेगा और ये खून से बना हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बना हुआ तिरंगा झंडा ये हमेशा पवित्र था पवित्र रहेगा जलियांवाला बाग के अंदर का कोई सिख कौम ने कुर्बानी दी थी क्या हिंदू कौम ने कुर्बानी दी थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपना खून बहाया था फिर मुल्क आज़ाद हुआ था शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इस्तफाकुल्ला खां वो अब्दुल हमीद जौनपुर का यूपी का जब पैठक के अंदर 71 के अंदर जंग थी शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान के 60 टैंक तबाह किए थे वो हिंदुस्तान है वो अब्दुल कलाम का हिंदुस्तान है मैं यहाँ कश्मीर के अपने बच्चों को भाइयों को बहनों को कहूँगा मेरे से सीख लो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ बोलिए मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी कश्मीर की तरफ हमारे कश्मीरी बच्चों की तरफ को आंख उठा के देख ले हमें हिम्मत तो करनी होगी मैं भी तो पंजाब में लड़ा
खालिस्तान का आतंकवाद था, मैंने लड़ा, आपके सामने गवाह हूँ। आपको लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद कश्मीर में जो मिलिटेंसी की वारदातें बढ़ने लगी है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है? देखो जी, ये कश्मीर में नहीं, इसका असर पूरी दुनिया में होगा। 11 सितंबर की घटना कहाँ हुई थी? अमेरिका के अंदर। चैलेंज करके इनको मैं कहता हूँ।